ये मैं चंद तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं सिख भी मेरे खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं पंडित हिंदू एहतिजाज कर रहे हैं यहां भी एक बड़ा उसूली मसला है अमूमी तौर पर लोग जो हैं वो गैर मुस्लिम शुरा की जब नाते लिखते हैं इस पर ये कहते हैं कि देखो वो गैर मुस्लिम होके सरकार की नात पढ़ रहा है कि सरकार की सबसे बड़ी ना तो मोहम्मद रसूल सलम है जिस कमीने ने वो नहीं मानी उसका और वो कोई बीस जिल भी लिख दे तो उसकी तहसीन का मीटर नेकी का शुरू तब होगा जब कलमा इस्लाम पड़ेगा ये तो आम बंदा समझता है कि वजू ही ना हो तो नमाज नहीं होती ईमान ही ना हो तो सरकार दो आलम सल्लम की तारीफ का क्या उसे फायदा होगा हां ये है इस लिहाज से कि उसने बक बक नहीं की उसने बकवास नहीं किया अगर बकवास करता इसकी जगह तो फिर मजीद गंदा होता जन्मी होता चलो बकवास उसने नहीं किया सरकार की शानों का जिक्र किया मगर नेकी तब बनेगी जब पहले मोहम्मद रसूल सल्लम वाली बड़ी शान मानेगा क्योंकि कुरैश मक्का ने जब अपनी नेकियां गिनवाई क्या हम हाजियों को पानी पिलाते हैं मस्जिद हराम की ईंटें लगाते हैं हम मुतवली हैं क़ाबे के और सहाबा तो दूर बैठे हैं तो अल्लाह ताला ने फरमा अजाल तुम सिकाया अल हाज वो इमारत अल मस्जिद हराम कमन आमना बिल्ला ओ जालिमो तुमने हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम की ईंटें लगाना ये तुमने बराबर बना लिया आपस में परमाया दूर बैठे हुए बंदे का ईमान और काबे के अंदर बैठे हुए बंदे का मुतवली हो जाना या इंटे लगाना ये बराबर नहीं हो सकता ईमान लाओगे तो फिर नेकी का मीटर चलेगा ईमान नहीं लाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा मुहर्रम आता है तो कई सिख हिंदू वो भी कहते हैं हुसैन हम तेरे दीवाने हैं अगरचे हमने तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ा लेकिन हम भी तुम्हारे आशिक हैं ऐसे ही उन्होंने गीत बनाए हुए हैं और कुछ लोग कहते हैं देखो जी क्या क्या प्यार है इमाम हुसैन रजी अल्लाह तला का कि हिंदू सिख भी कर रहे हैं यकीन तज्ब वाली बात तो है मगर यहां से एक उसूल भी साबित हो रहा है कि हर प्यार का दावेदार सच्चा नहीं होता प्यार है ईमान नहीं हिंदू सिख प्यार कर रहा है इमाम हुसैन अल्लाह रत के दोड़े पर रहा है मगर कहते हुसैन तेरा कलमा नहीं पड़ा मगर तेरे प्यार है तेरे नाना जी का कलमा नहीं पड़ा तो वो ऐलानिया कह रहा है ना कि मेरा ईमान कोई नहीं तो पता चला कि इन जातों का प्यार फॉर्मेलिटी वाला गैर शरी तो वहां भी पाया जाता है जहाँ मुसलमानों वाला नाम ही नहीं तो यहां से पता चला को जो एक फिरके के लिहाज से हम कहते हैं कि दावा है जरूर है मगर हकीकत कुछ और है तो वो खुद साबित हो गया अब जैसे यहां कुछ लोग गए मंसूरा में भारत में कुछ लोग हिंदुओं के पास गए कि डॉक्टर शरफास्त जलाली ने तो कर दी है और तुम वो हाफिजो चादर जहरा रजियला के तुम भी एहतजाज करो ये तस्वीरें देखो उनकी अब देखो एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ ये सिख हिंदू पंडित हैं क्या जमाने को नजर नहीं आ रहा कि सैयदा जहरा रजियाल्लाह तलाहा के नाना जी का खादिम कौन है दीन का झंडा किसके हाथ में है सदाकत किसके हाथ में है ये जो गुरु नानक के चेले एहतजाज कर रहे हैं मेरे खिलाफ इनको कोई फायदा होगा सईदा जहारा अनहा के हक में एहतजाज करने का और मुझे गालियां देने का बल्कि जिन्होंने इनको इस काम पे लगाया उन जालिमों को मैं कहता हूं कि इससे बेहतर था कि तुम इन सिखों को सईदा पाक रद्ला के अब्बा जी का कलमा पढ़ा देते उनकी भी बिगड़ी बन जाती और तुम्हें भी रब्बे जुल जलाल करोड़ा दे देता दे लेकिन यह साबित होना था कि दूसरी तरफ किस किस किस्म के दावेदार हैं सारे एक तरह के नहीं मगर दावा प्यार तो है कि जिस तरह यहां कह रही जो हमारे जज्बात को बड़ी ठेस पहुंची है तो जैसे सिखों के जज्बात को ठेस पहुंची है जैसे पंडितों के जज्बात को ठेस पहुंची है जैसे उनके हां तोहीन हो गई है जो अव्वल लाकर डूबे ही कुफर में हैं, जिन्हें ईमान की अलफ का भी पता नहीं है तो इस बुनियाद पर जमाना खुद बड़े सबक सिखा देता है पढ़ने का सलीका हो तो पढ़ लेते हैं कुछ लोग पानी पे लिखी हुई तहरीर हवा की दिखाओ ये सारी सूरतें बताओ दुनिया को ये जू जू पंजाबी में कहते ज्यू जू हडसी रंग कडसी सी पता चलेगा कि राह हक का मुसाफिर कौन है करबलाई कौन है और यजीदी कौन है इनशाला इसका फैसला रोजाना होता रहेगा